हेलो दोस्तों, एक्सट्रीम टेक में आपका स्वागत है और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ थीम्स नहीं, बट यहाँ पे आपके लिए आज मैं लेके आ चुका हूँ MIUI 12 का इंडियन अपडेट। K20 Pro के लिए आ चुका है और मैं आपको बताऊंगा कि इस अपडेट के अंदर आपको क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम थोड़ा सा Xiaomi का रोस्ट भी करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना भाई, क्योंकि जो इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स, इतनी अच्छी अच्छी एनिमेशन जो चाइना रोम और ग्लोबल रोम में थी, वो इंडियन रोम में हटा दी गई है। तो मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जल्द इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ, मेरा गेमिंग चैनल जो मैंने न्यू क्रिएट किया है उस पर सेकंड पार्ट आया पड़ा है वीडियो, तो जाओ अब जाके देखो और सब्सक्राइब कर देना और देखते हैं कितने सब्सक्राइबर्स रीच होता है। तो फटाफट जाओ एंड सब्सक्राइब कर दो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के इस खतरनाक से अपडेट के बारे में, जिसके ऊपर मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, बिकॉज इन्होंने जो इंपॉर्टेंट एनिमेशन थी वो हटा दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चल जाते हैं यहाँ से और अबाउट फोन सेक्शन के अंदर और व्हाट्स न्यू। तो यहाँ पे लिखा है सिस्टम एनिमेशंस, अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो यहाँ पे वेट अ मिनट, मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। हाँ दैट्स इट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल न्यू फिजिकल बेस्ड एनिमेशन इंजन विद एडवांस्ड आर्किटेक्चर विल रिफ्रेश योर डिवाइस लुक्स, डायनेमिक विंडो टेक्नोलॉजी टेक्स स्विचिंग स्क्रीन ओरिएंटेशन टू अ न्यू लेवल। स्क्रीन ओरिएंटेशन ठीक है, पर उससे जो ऊपर लिखा है कि न्यू नोटिफिकेशन, आपको फिजिकली बेस्ड एनिमेशन देखने को मिल जाती है, तो कहाँ है वो Xiaomi? जरा आप मुझे एक्सप्लेन करें कि वेयर इज ऐप ओपनिंग एनिमेशन, जो आपको चाइना के लिए आपको अपना प्यार जो दिखाना था वो आपने चाइना में फेंक दिया और ग्लोबल रोम में फेंक दिया, और जो हमारा था इंडियन रोम में वो तो हर बार का क्या चला करते हो। पहले MIUI 11 में भी सेम एनिमेशन आई थी, हमें नहीं मिली इंडियन रोम में, ग्लोबल रोम को मिली, चाइना रोम को मिली, इस बार नहीं आई, हमें नहीं मिली। भाई मतलब क्या करना क्या चाहते हो तुम? इतना गुस्सा आ रहा है ना भाई, जो इतनी अच्छी एनिमेशन थी ना Xiaomi की तरफ से वो रिमूव कर दी गई है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे ये देखिए जो रिसेंट मेन्यू की एनिमेशन है, जो नई वाली एनिमेशन है, उसमें क्या होता है कि हम जो रिसेंट मेन्यू वो साइड से नीचे आता है, बट यहाँ पे नहीं जी भाई साहब, पुरानी वाली MIUI 11 वाली एनिमेशन है, बहुत बढ़िया। जो ग्लोबल और चाइना रोम है उसके ऊपर यहाँ पे जो है टॉप पे लिखा हुआ है कि भाई फ्लोटिंग विंडो ओपन करने का ऑप्शन, बट अभी भी आपने स्प्लिट स्क्रीन करा है, ठीक है, और यहाँ से जाके फ्लोटिंग विंडो ऑन कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद एक थी ऐप ओपनिंग एनिमेशन जो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू आई थी चाइना रोम के अंदर एंड ग्लोबल रोम में, दैट इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन रोम। यस, तो जैसे आप सेटिंग खोलते हैं तो देखो भाई वही अपनी पुरानी वाली एनिमेशन आ रही है और वो भी इतनी स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल रोम की एनिमेशन थी वो बहुत ही मतलब एप्पल जैसा होता है ना उसके स्टाइल की एनिमेशन थी, मेरे को वो बहुत अच्छी लगती थी, बट इन लोगों ने इंडियन रोम में सत्यानाश कर दिया। अब पोको लॉन्चर, हाँ K20 Pro में पोको लॉन्चर नहीं हटाया गया है, ना ही K20 में हटाया गया है। मुझे नहीं समझ आ रही भाई ये पोको फोन है क्या जो तुम इसमें पोको लॉन्चर दे रहे हो, तुम सिंपल Xiaomi का लॉन्चर क्यों नहीं दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? भाई सिंपल Xiaomi का लॉन्चर दे दो, ग्लोबल रोम में तुमने पोको लॉन्चर रिमूव करके नॉर्मल वाला दे दिया, तो भाई इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है मुझे जरा एक्सप्लेन करो भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को कि पोको लॉन्चर? भाई एक तो पोको लॉन्चर की वजह से कई सारी एनिमेशंस कट हुई पड़ी हैं, कई सारे फीचर्स नहीं आ पा रहे हैं फोन के अंदर। एक और दिक्कत इसमें यह है कि भाई अगर आप नीचे स्वाइप करते हैं ना तो हर तरफ जहां से भी आप स्वाइप करेंगे आपके सामने सिर्फ नोटिफिकेशन वाले पैनल ही आएगा, आपको जो क्या कहते हैं कंट्रोल्स हैं वो आपको खोलेंगे बिल्कुल टॉप से नीचे स्वाइप करना पड़ेगा तब जाके कंट्रोल्स खोलेंगे। तो मेरे को बताओ ये क्यों किया, क्योंकि भाई जो ग्लोबल और चाइना रोम है उसके अंदर अगर हम इधर से स्वाइप नीचे करते हैं कहीं भी स्क्रीन पे तो ये वाला मेन्यू खुलता है, अगर हम इधर से करते हैं तो ये वाला मेन्यू खुलता है, बट इसमें क्यों नहीं है ये फीचर? मैं मानता हूँ ये पहली स्टेबल बिल्ड है, पर ये मतलब तो नहीं ना कि तुम अच्छे अच्छे फीचर्स जो तुम बिल्कुल ही रिमूव कर दोगे। मैं तो भाई इस बात का खुश हूँ कि इन्होंने सुपर वॉलपेपर्स नहीं हटाए हैं, मतलब धन्यवाद Xiaomi साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुपर वॉलपेपर्स का हमें आनंद उठाने दिया, क्योंकि K20 भाई है तो इन्होंने गायब कर दिए सुपर वॉलपेपर्स। क्या भाई अच्छे अच्छे जितने फीचर्स थे ना चाइना रोम में और ग्लोबल रोम में आए थे उन्होंने वहां से पकड़ के हटाए और इंडियन रोम पुश कर दी। पहली बात उन्होंने बोलता कि जून के एंड होने से पहले पहले K20 Pro K20 के अंदर जो है अपडेट आ जाएगा, तो मेरे को फिलहाल ये अपडेट मिल रहा है 2 जुलाई को। मानता हूं यार पायलट टेस्टिंग चल रही थी उसके अंदर स्टेबल रोम होना जरूरी है, बट यार फिर भी छोड़ो, मेन चीज ये कि भाई उन्होंने फीचर्स ही रिमूव कर दिए। अब अगर हम बात कर ले कैमरा के बारे में तो भाई मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि भाई आप लोगों ने हमारे बारे में इतना सोचा और हमें न्यू कैमरा प्रदान कर दिया, मैं तो भाई आप लोगों से बहुत खुश हो गया, जैसे आप देख सकते हैं धन्य हो गया मैं आप लोगों से कि भाई आपने हमें कुछ समझा और कैमरा प्रोवाइड कर दिया नया वाला, वरना बस चलता तो वो भी यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता।
और भाई एक और चीज, जो एनिमेशन पहले हम आइकन के अंदर देखने को मिलती थी ना, वो MIUI 12 के बाद रिमूव हो चुकी है। और इसके चेंज लॉग में लिखा हुआ है कि न्यू ऐप एनिमेशन, जो डायनेमिक ऐप एनिमेशन होती है, वो आपको देखने को मिल गई MIUI 12 के अंदर। तुम क्या मतलब क्या करके अपडेट देते हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि भाई जो एनिमेशन थी वो भी रिमूव हो चुकी है। मैं इसको रिस्टार्ट करके देख चुका हूँ फोन को, मैंने थीम बदल के देख ली, एट देन मैं इसको रीसेट भी करूंगा, पूरा डिवाइस रीसेट करूंगा, क्योंकि देखते हैं भाई इसमें बैटरी बैकअप कैसा है, क्योंकि इससे पहले तो मेरे को बैटरी बैकअप इतना भद्दा मिल रहा था ना, मेरा क्या बताऊँ, मेरा गुस्सा आ रहा था बैटरी बैकअप देख के। अब भी पता नहीं भाई कैसा होगा इसका बैटरी बैकअप, चेक करके पता चलेगा। जिस हिसाब से डिटेल्स के हिसाब से भाई ठीक ठाक ही लग रहा है, बाकी तो पूरा जब दो तीन दिन मैं इसको चेक करूंगा फिर चलाऊंगा, मैं आपको कम्युनिटी या फिर इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा बैटरी बैकअप कैसा है MIUI 12 का। उसके अलावा अगर हम बात कर ले फीचर्स के बारे में, तो भाई अगर आपने मेरी चैनल वाली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गया होगा क्या क्या फीचर्स आए हैं। बस उसमें से जो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं ना, उसको रिमूव कर दो और इंडियन रोम तैयार है। तो ये आया भाई मेनली, बाकी यहाँ पे यार कंट्रोल सेंटर आ गया है, ठीक है, इसको आप हटा के नॉर्मल स्टेटस बार भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप नोटिफिकेशंस को ब्लॉक ब्लॉक कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि भाई मेरे को ना चाइना रोम के K20 Pro में मैंने देखी थी कि एक नई फिंगरप्रिंट एनिमेशन आई थी, जो मेरे को लगा भाई फिंगरप्रिंट एनिमेशन है इंडिया में दे देंगे तो इनका कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं, बट नहीं, वो एनिमेशन भी अवेलेबल नहीं है, हमें वही पिछड़े जमाने की एनिमेशन देखने को मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया वो एनिमेशन आई थिंक थी कि स्पायरल सा बनता था ग्रीन कलर का, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, मैं पर्सनली वेट कर रहा था उस एनिमेशन का, बट नहीं जी हमें नहीं देखने को मिली। बहुत बढ़िया, मेरे को तो भाई सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वाई पोको लॉन्चर क्यों यार, पोको लॉन्चर क्यों दे दिया। उसके बाद दोस्तों अगर हम वॉलपेपर्स में चल जाए तो यहाँ पे आपको सुपर वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद Xiaomi वालों का, वरना हमें तो लगा था भाई तुम भूल जाओगे सुपर वॉलपेपर नाम की चीज भी होती है। भैया ऑटो फोकस मेरे को दिमाग मत खराब कर, धन्यवाद। उसके बाद वही आपको रेड प्लेनेट वाला आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल आपको सुपर वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे न्यू वॉलपेपर्स भी आए हैं स्टैटिक वाले, जो ज़्यादा कई लोग यूज़ करते भी हैं, मैं तो नहीं करता, मैं तो अपने खुद के लगाता हूँ ढूंढ ढांढ के कहीं ना कहीं से। ओके, तो उसके बाद क्या आया भैया, सेटिंग मेन्यू चेंज हो गया, जिसे आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे सेटिंग्स लिखी हुई है, और नीचे की जो हाँ एक और चीज़ नहीं आई, फॉन्ट वेटेज एंड जो मिलान प्रो नया फॉन्ट था वो भी नहीं आया, तो ये मैंने डाउनलोडेड फॉन्ट है, ये थीम स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो भी नहीं आया, मैं खुद दिखा भी देता हूँ, डिस्प्ले एंड सिस्टम फॉन्ट ये ऑप्शन आ रहा है, एंड फॉन्ट एक्सटाइल वेटेज का ऑप्शन छो मंतर, बहुत बढ़िया Xiaomi अमाल कर दिया तुमने। और भाई क्या बोलूँ मैं इनके बारे में, बाकी यार सनलाइट मोड आ गया ये काफ़ी ठीक बात है, मेरे को लगा था वो भी नहीं देंगे इनका तो बस चले। तो और कलर स्कीम नया वाला आ गया तो थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, मतलब जो पूरे ऑप्शन था ना ह्यू सैचुरेशन कंट्रोल करने के, वो भी अवेलेबल नहीं है, क्या पता आगे जाके, उम्मीद नहीं है पर शायद आ जाए। और बाकी यहाँ पे कई चीज़ें रिवैम्प हुई हैं, जैसे कि MIUI 12 में हुई थी, वॉलपेपर वाला नया मेन्यू देखने को नहीं मिलता है जिसके अंदर वॉलपेपर ग्रुप थे, तो वो भी इन्होंने मिस हटा दिया है। और प्राइवेसी वाले सेक्शन के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, तो उसके बाद लॉक स्क्रीन में आपको अंदर शुक्र है कि नया क्लॉक फॉर्मेट दे दिया है, वरना इनका बस चलता तो वो भी रिमूव कर देते, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चल जाते हैं, एंड भाई कहाँ है भाई, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्टाइल क्लॉक स्टाइल, हाँ ये रहा, तो ये देखने को मिल जाता है आपको। बहुत बहुत धन्य हो गया हमें इनकी, ये जो प्रदान कर दिया उन्होंने हमें, कुछ समझ लिया हमें लोगों ने। उसके बाद भाई यहाँ पे जिसे पीटे फीचर सारे दे दिए हैं, और स्पेशल फीचर्स में आपको वीडियो टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो मैंने कब का रिवील कर दिया था, और यहाँ पे आपको वो नहीं देखने को मिलता, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार उसको, जो चाइना का स्क्रीन टाइम था वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ना कि आपको यहाँ पे फोकस मोड देखने को मिलता है। तो भाई क्या मिलता है, दो चार उन्होंने चेंजेस कर दिए, दो चार वॉलपेपर डाल दिया, बन गया MIUI 12 इज हियर एंड अपडेट साइज इज 2.5 GB। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बहुत ज़्यादा कमाल की बात करी तुमने Xiaomi, बहुत ज़्यादा। बाकी यहाँ पे वही डायलॉग मेन्यू में आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जो मैसेजिंग में आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, थोड़े बहुत गैलरी के अंदर आपको हमें चेंज देखने को मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ट्रैश बिन आ गया है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। सेटिंग्स मेन्यू आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की हो गई है, तो मतलब बेसिक जो बेसिक चेंजेस है ना वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। जो मेन असली दो तड़पती भड़कती कमाल की चीज़ थी यार, दैट इज रिमूव फ्रॉम इंडियन रोम, आई नीड टू नो व्हाट द हेल Xiaomi इज डूइंग दैट। या सो बाकी लॉक स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लॉक स्क्रीन में ठीक है, चल भाई तू बेहतरी, तो भाई लॉक स्क्रीन ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, वही डिसेबिलिटी फीचर में बताता हूँ भाई, जो असली जो चीज़ देनी थी, देखो भाई पोको लॉन्चर का बग अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो यूट्यूब वेरी गुड। तो भाई एक तो इसमें बग बहुत है पोको लॉन्चर में, और मेरे को पता नहीं क्यों ये यूज़ करना पड़ता है, मैं बताऊँ, मैं तो फिलहाल Niagara लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ,
काफी बढ़िया लगता है मेरे को पोकस तो। और हाँ इसमें जो है एनिमेशन थी ना कि नॉर्मल होम स्क्रीन पे जो एनिमेटेड वॉलपेपर एनिमेट करेगा जब हम होम स्क्रीन यूज करेंगे कुछ करेंगे, दैट इज ऑल्सो गॉन। बहुत बढ़िया Xiaomi, अमेजिंग, तुमने एनिमेशन तो छू मंतर कर दी। जितनी एनिमेशन हमें पहले देखने को मिलती थी ना वो तो अब बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। बैटरी आइकन चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया बात Xiaomi, वेरी गुड, बैटरी आइकन चेंज कर दिया तुमने, क्या कमाल की बात है। बाकी यहाँ पे वेदर आपको चेंज देखने को मिलता है, फ्लोटिंग विंडो आ गई है, मेहरबानी हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्लॉक में आपको चेंज देखने को मिलता है जिसका अपडेट मेरे को अपडेट आने से पहले आ गया था। स्क्रीन रिकॉर्डर का भी अपडेट मेरे को पहले आ गया था। मी ब्राउजर का आइकन चेंज कर दिया जो हम यूज़ भी नहीं करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे थोड़े बहुत और आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। बाकी मी कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे चेंजेस करे हैं, अरे नहीं तो ये तो पुराने वाले ही है। चलो उसके बाद म्यूज़िक तो भाई यूज़ ही नहीं करना। और नोट्स के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कई चीज़ें, ये देखो जैसे देख सकते हैं, ये हो गया ओके जी, तो ये टास्क पास आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यही कुछ था यार Xiaomi है ना। सिक्योरिटी, हाँ, अरे भाई मैं भूल गया, इतना बड़ा एहसान उन्होंने करा है हमारे पर, सिक्योरिटी ऐप भी चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया करा तुमने। पर जो एक्स्ट्रा ऑप्शन थे वो तो खा गए, जैसे यूटिलिटीज का टैब था अलग से जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आते थे वो तो एक खा गए, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल की बात कर दी तुमने Xiaomi वालों। बाकी क्लीनर चेंज है, सिक्योरिटी स्कैन चेंज है, आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर देखने को मिल जाता है जो MIUI 11 में देखने को मिल गया था और वो हमें नहीं दिया गया था, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, मज़ा आ गया। क्या करो यार मैं लोगों का। अब बाकी देखने वाली बात है कि इसमें आपको रिकमेंडेशंस देखने को मिलती है, नहीं यानी कि एडवर्टीजमेंट, पता नहीं भाई Xiaomi वालों का कुछ भी कर देते हैं वो तो, क्या बताऊं यार मेरे को भाई इतना गुस्सा आ रहा है ना लोगों पे, क्योंकि जो असली मेन फीचर्स थे ना रिमूव कर दिया यार उन्होंने फीचर्स को। मतलब यार इतनी प्यारी प्यारी एनिमेशन, मैं वेट कर रहा था कि ऐप ओपनिंग एनिमेशन आएगी, सुपर वॉलपेपर के अंदर एनिमेशन होगी और ऐप के आइकन में जो एनिमेशन थी वो भी हटा दी और सिस्टम लॉन्चर भी नहीं दिया जो असली वाला है जिसके अंदर मोर फीचर्स हैं इस वाले से। और ये क्या बात हुई भाई, हमें यहाँ से क्यों करना पड़ रहा है, नीचे से करेंगे, क्यों नहीं होगा, हैं कुछ भी मतलब यार। तो भाई यही थी आज की वीडियो, मैं आपको ये बताना चाहता था बेसिकली कि भाई मैं परेशान हो गया हूँ MIUI के अपडेट से, क्योंकि जो ये लोग अपडेट देते हैं ना जो चाइना और ग्लोबल रोम में, वो इंडिया में तो नहीं देते, वो इंडिया वाले में देने से पहले जो बेटर फीचर्स होते हैं उसको पकड़ के खींच के बाहर फेंक देते हैं और दे देते हैं अपडेट, क्योंकि भाई सेम डिवाइस है, हार्डवेयर भी सेम है, K20 Pro Mi 9T Pro दोनों सेम है, ठीक है Mi 9T Pro में ग्लोबल रोम है, K20 Pro में इंडियन रोम है और इंडियन रोम ही हर बार कचरा कर देती है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, अमेजिंग। इससे बेटर तो यार ग्लोबल रोम फ्लैश करो, उसे चलाओ, बहुत ही बेटर रोम है बस इंडियन रोम से, तो सही बात बोल रहा हूँ यार। बाकी मार्स वाला आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, फिलहाल ही वॉलपेपर्स में भी अपडेट आया था। अब एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ भाई, Xiaomi के जो अपडेट्स होते हैं ना, अगर वो एक बार देखो आज MIUI 12 का अपडेट मिल गया, अब वो अगले साल देंगे सीधा MIUI 13, क्योंकि वो बीच के अपडेट्स ना होते हैं वो भूल जाते हैं कि अपडेट देने भी हमने, और देते भी है तो सिक्योरिटी पैच फिक्स कर देते हैं, जो नए फीचर्स चाइना रोम में आ रहे होते हैं ना वो हमें इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई Xiaomi वाले हमें पागल बना रहे हैं, दैट्स इट। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, यही थी आज की वीडियो और यही थी आज की जो मेरे को बोलना था भाई। मैं बहुत गलत बात है यार, इंडियन रोम में तुम अच्छे फीचर्स निकाल देते हो और बेकार फीचर्स डाल देते हो, तुम अच्छे फीचर्स इंडियन रोम में दिया करो, मतलब मैं यही बेसिकली बोलना चाहता हूँ। बाकी किसी Xiaomi के फैन को बुरा लग गया हो जो मैंने इतना कुछ बोल दिया है तो आई एम सॉरी, बट मेनली यही है कि भाई ये फीचर्स मेरे को चाहिए यार, इतनी बढ़िया एनिमेशन ने रिमूव कर दी, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो यार, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ नई वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।